तो कैसे हैं आप सब लोग? भारी अपुन भी तब लाई भारी बोल रहे हैं पहला बोल रहे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूरिंग लाइफ। तो कैसे आप सब लोग? भारी अपुन भी लय भारी। तो जैसे कि आपने टाइटल तो देखा है, फर्स्ट मीटअप अपना। हाँ जी, अभी फर्स्ट मीटअप रखा है, ये कोई प्लानिंग नहीं था। आज संडे है, कल सैटरडे था, तो मैंने ऐसा प्लान किया था कि दोनों भाई का हो जाए फिर बात करते। हो गया तो सैटरडे कल था, तो कल मैंने ऐसे ही प्लान किया कि यार कहीं पे तो राइड पे निकलना है, शॉर्ट राइड पे, लॉन्ग राइड पे नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा कर सकते हैं कि स्टोरी लगा देता हूँ इंस्टा पे कि जो भी भाई है जिनको आना है संडे राइड के लिए आ सकते हैं। फिर मैंने गर्मी वगैरह बिताओ, सुबह भी मुझे काम निकल आया अभी संडे के दिन, तो फिर मैंने वो प्लान कैंसिल करके फिर सोचा अभी राइड का तो सोच लिया था, एक काम करता हूँ, राइड नहीं रख रहा हूँ तो मीटअप तो रख देता हूँ यार, क्योंकि बहुत सारे भाई बोल रहे हैं कि यार हमको मिलना था आपसे, राइड भी करना था। तो मेरा राइड का तो बाद में कभी प्लान करेंगे, पर मीटअप का तो रखते ही है, इसलिए अभी मीटअप रखा है शाम को 5 बजे। अभी शाम के 4 बज रहे। अभी पहला आया हूँ मैं बगीरा और पार्टनर को, दोनों को वॉश करने के लिए। तो ये अपना बगीरा है यहाँ पे, और यहाँ पे है अपना पार्टनर। और एक बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि इंस्टा पे जिन्होंने मुझे फॉलो किया है उनको तो सबको पता है कि टूरिंग लाइफ का स्टिकर आ गया है। आप लोग को भी दिखा दो, अभी मैं लेकर नहीं आया हूँ, स्टिकर आ गया है। तो आज जो मीटअप होगा वहाँ पे मैं स्टिकर भी सबको देने वाला हूँ। वॉश करके तो हो गया, पर एक अच्छा हो गया, दोनों गाड़ी में इसलिए निकल पाया क्योंकि जीतू आ गया। अभी जीतू का जो गाड़ी है वो तो मेरे बिल्डिंग के पास में लगा दिया है। अभी मेरा घर भी यही से एकदम पास में ही है, तो जाएंगे अभी घर पे, फ्रेश होता हूँ, फिर निकलना। बस आधा घंटा बच गया, 4:30 हो गए और 5 का अपना मीटअप। घर से अभी निकल चुका हूँ, यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर अपना मीटअप पॉइंट है। सबसे पहले आप लोगों को स्टिकर दिखा देता हूँ, क्योंकि जो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं उनको तो मैंने स्टिकर पहले ही दिखा दिया स्टोरी पर। तो ये है अपना टूरिंग लाइफ का स्टिकर, बहुत ही मस्त बनाया है। और ये जो है ना स्टिकर पे जो आपको ये पिक दिख रहा है ना, ये नेपाल का मस्टैंग जब मुक्तिनाथ के लिए राइड किया था ना, ये वहाँ का पिक है, उसका ही मैंने स्टिकर बना दिया है। तो चलो अभी निकलते, यहाँ पे मीटअप है वहाँ पे जाते। अभी मोटो ब्लॉग तो मैं नहीं कर रहा हूँ, माइक एडाप्टर जो है वो अभी ख़राब हो चुका है, वो काम नहीं कर रहा, इस वजह से मोटो ब्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ। आज के दिन में बस व्लॉगिंग होगा। पहली बार ही मीटअप रखा है, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आएंगे कि नहीं, 10-20 लोग आए तो भी बहुत हो गया, पर आने चाहिए। जो लोकेशन पे अभी मीटअप रखा है वहाँ पे मैं आ गया हूँ। अभी कैसा है ना, पहला है ना डर था एक कि यार अपने मेंबर्स आएंगे कि नहीं, ज़्यादा 10 तो आएंगे ना, पर बहुत सारे अपने भाई आ गए। तो कैसे हैं आप सब लोग? भारी अपुन भी क्या बात है, देखो अब मजा आ रहा है सबके साथ में डायलॉग बोलने के लिए, फुल पावर। बस बहुत सारे भाई आ गए, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार अब तक दिया है। और एक बात कहूँगा, ये जो भी भाई आए हैं ना, ये इंस्टाग्राम का स्टोरी देख के आए, तो मैंने YouTube पे अपडेट नहीं किया था जो मीटअप रखा था उसका, तो सॉरी कहूँगा उसके लिए पहला। तो इसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, इंस्टा पे सब अपडेट पहले मिल जाते हैं। अभी भाई लोग को भी अपडेट मिल गया मीटअप का, तो इन लोग भी आ गए, पर कोई नहीं, नेक्स्ट जब भी मीटअप रहेगा तब यूट्यूब पर भी अपडेट दूंगा और इंस्टा पर भी। कल ऐसा हो गया ना कि मेरे दिमाग में अचानक में आ गया, बरोबर
और मेरा पहले से ऐसा है कि मैं जो भी सोचता हूँ ना एक बार कि करना है तो कर देता हूँ। तो पहला दिमाग में ऐसा आया कि राइड एक रखता हूँ मैं कि बहुत भाइयों को ऐसा राइड करना मेरे साथ में, तो मतलब एक प्लान वैसा करता हूँ। फिर उसके बाद एक काम भी आ गया, फिर गर्मी वगैरह मैं सोचा अभी कैसा, आधे लोग ऐसे भी सोचे कितने गर्मी में जाओ यार, जाने दो, है ना। तो वही सबसे मैंने देखा एक काम करते शाम के टाइम पे मीटअप, बरोबर। इसलिए अभी आज का है मीटअप, ये ऐसा कोई पहले का प्लानिंग नहीं था, अभी आज हुआ है। इसके बाहर भी अभी बार बार होते हैं, ये एक शिरडी राइड के लिए चोर बोलो, मतलब मोटी गोष्ट आणि आजारी होता, वो आजारी होता, बसवत नव्हता त्याला, आम्ही एकाच रूम मध्ये होतो, बसवत पण नव्हता, पोटात एवढा दुखा होता ना मला, म्हणजे असं मी असं करतो नंतर असं करतो, मी बाहेर जेवायला पण नाही गेलो, जेवण पण रूम मध्येच मागवलं एवढं। सबस्क्राइबर म्हणून आम्ही का बोलणार, अरे प्रतीक भाईचा व्हिडिओ नाही आला, खूप सोपं काय प्रॉब्लेम मध्ये ना, नाही राईड करतो त्याला, राईड करतो त्याला मी, डेली ब्लॉग चालू करणार आता बरं, कियांच्या टाइम मध्ये केलेलं तसं डेली ब्लॉग के लिए ना, सच बोलू तो मुझे डर लगता क्योंकि क्या है ना आजकल यूट्यूब पर कैसा अभी मोटो ब्लॉगिंग है, आप लोग को वो पसंद आ रहा है, अभी आप लोग मुझे देखोगे डेली ब्लॉग, बाकी जो है वो देखेंगे नहीं पता नहीं। मैं भी ऐसे दिल तो है मेरा कि क्या होता है ना, अगर मैं महीने के 15 दिन भाग जाऊँ तो मेरा कैसा डेली ब्लॉग आता है ना दूसरे दिन, तो मैं घर पे आने तक मेरे पास एक दो वीडियो रहता है बचा हुआ, वो जाने के बाद मुझे फैमिली के साथ टाइम भी निकालना होता है और वो नहीं मिल पाता क्योंकि मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ, बस वही ब्लॉग डाल रहा हूँ। इसके लिए मुझे कुछ ही दिन में रुकता हूँ घर पर, फिर से किधर तो राइड पर निकलना पड़ता है। अगर ये डेली ब्लॉग भी पसंद करना चालू हो गया अगर अपने चैनल पर, तो मेरा ऐसा हो सकता है कि फैमिली को मैं और ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ। तो थैंक यू भाइयों यहाँ पे आने के लिए और प्यार बरसाने के लिए, और ऐसे ही प्यार देते रहो भाई को, आप लोग के वैसे हम है, प्यार देते रहो, बाय बाय बोलो बाकी भाइयों। टाइम हो रहा है 7:30, मुझे लगा था कि 6:30 बजे तक मीटअप अपना एंड हो जाएगा, पर भाई जो है और भी रुके हैं, बातचीत बहुत चल रहा है, सबके साथ बात कर रहा हूँ मैं, एक एक के साथ में बात किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे भाई ऐसे जो कह रहे हैं कि आपके हाथ से आपका स्टिकर लगाओ हमारे बाइक पे, ये संजय जी है, ये ऑटो लेकर आए, उनका उनके स्कूटर या बाइक भी है, तो वो कह रहे हैं कि आप खुद ही लगा दो आपका स्टिकर। तो भाई का कहना है देखो क्या है कि बाहर मत लगाना, बारिश के वजह से निकल सकता है, अंदर ऐसा लगाएंगे सामने तो जो भी पैसेंजर बैठेंगे वो देखेंगे और वो सब्सक्राइब करेंगे, दिमाग है संजय भाई। आज तक मैंने सबके यूट्यूब के मैंने चैनल के साथ यहाँ पे नाम लिखे, पर आज मेरे प्रतीक भाई ने अपने को खुद को यहाँ पे स्टिकर दिया, आप देख सकते हो अंदर हर एक चैनल का नाम है अंदर गाड़ी में, यहाँ पे देखो स्टोरी ऑन व्हील्स है, स्टोरी ऑन व्हील्स है, आदित्य चौहान है अंदर, उधर सुनील माही लोग हैं, क्या बात है बहुत बढ़िया है, बहुत ये सब अपने भाई लोग हैं, इनका बहुत प्यार है अपने ऊपर, और यहाँ प्रतीक भाई का स्टिकर सामने। मीटअप से अभी घर पे आ गया हूँ, जीतू ने मुझे दिया है श्री स्वामी समर्थ जी का प्रसाद, हो गया था अक्कलकोट, और दो गिफ्ट मिला है अभी, एक जो थे कपिल भाई करके उनका कोई स्वीट्स का शॉप है, तो उन्होंने कुछ मिठाई वगैरह दी है, तो वो भी आपको भी दिखाए तो क्या दिया है, और उन्होंने ऐसा भी कहा है कि देख लेना और एक बार शॉप पे भी आना चाहिए। ओ हो क्या बात है ये देख लो जी, ये देख लो कपिल भाई आ रहा हूँ फिर से शॉप पे, ये एक हो गया, अभी ये जो है ना गिफ्ट ये मेरे लिए नहीं है, ये है कियान के लिए, मेरे बेटे के लिए, खेलने का ही पूछे वो भी देख लेता, अभी आवाज आ जो ये भी भाग के आ रहे हैं मेरे को देख खेलने के लिए, तेरे को नहीं कियान को, ये तेरे को भी देगा मैं तो, अभी ये देखो खुद ही मानेगा, देखो है ना एक हो गया, तो ये कुछ गिफ्ट है जो अपने भाइयों ने दिए, थैंक यू सो मच भाइयों इतना प्यार देने के लिए, बहुत अच्छा लगा आज का जो मीटअप, पहला मीटअप रखा था मैंने, 2.5 साल का जर्नी हो गया यूट्यूब का, इसमें अपना ये पहला मीटअप था, इतना प्यार मिला है ना, अभी तो मीटअप 6 महीने में एक बार तो ज़रूर रखूँगा, पर एक बार सॉरी कहूँगा क्योंकि यूट्यूब पर मैंने कोई भी अपडेट नहीं दिया था, पर नेक्स्ट अभी जो भी रहेगा राइड वो भी बता के रखता हूँ, लद्दाख राइड जब मैं करके आऊँगा ना, मानसून का टाइम जब हो जाएगा तब बस हरियाली वगैरह रहेगा, वो टाइम पे हम शॉर्ट राइड करेंगे, तब मैं इंस्टा पे भी अपडेट दूंगा और यूट्यूब पे भी दूंगा। टूरिंग लाइफ
आपका जो अपना ये स्टिकर है ये आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जो स्टिकर हमने बनाया है वो भी अपने फैमिली के मेंबर ही उनसे ही बना के लिए है। तो अगर आप में से भी किसी भाई को कोई भी स्टिकर बनाना है तो आप वहाँ से बना सकते हो। ये जो सामने आ रहा है इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आज का ये जो छोटा सा ब्लॉग है मीटअप का, ये आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताना। अभी कुछ दिन में मैं कहीं पर राइड पर भी निकल सकता हूँ, प्लान अभी तक बना नहीं है, प्लान कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ अच्छी सी जगह। जैसे प्लान बन जाता है वैसे निकल जाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा, इंस्टा पे पता चलेगा, यूट्यूब पे भी वीडियो तो आएंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसे ही आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।